हे hey गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स के टॉप्स 50 एम जिसमें हम कुछ शॉर्टकट कीज भी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ डैश प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कौन सा प्रोग्राम है राइट right आंसर क्या होगा प्रेजेंटेशंस प्रोग्राम द पावर पॉइंट प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाई डैश पावर पॉइंट प्रोग्राम्स किसने क्रिएट किया है राइट right आंसर क्या होगा रोबोट गैसकिन एंड डनिस एस्टिन इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पावर पॉइंट वाज ऑफर्ड इन डैश विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट टाइम्स पावर पॉइंट्स कब ऑफर्ड हुआ है नाइनटीन नाइन्टीज में वट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ अ पावर पॉइंट फाइल जब भी हम पावर पॉइंट फाइल्स को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट फाइल नेम बताना है आपने राइट right आंसर क्या होगा प्रेजेंटेशंस वन ये क्या ऑलरेडी सेव नाम होगा डिफॉल्ट फाइल नेम का वट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ पावर पॉइंट फाइल पावर पॉइंट्स फाइल एक्सटेंशनस कौन सी होती है राइट right आंसर क्या है पी पी टी एक्सड अगर आप सर्च बॉक्स में पी पी टी एक्स लिखोगे उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है तो आपके पास क्या पावर पॉइंट्स ओपन हो जाएगा विच कमांड इज़ यूज टू ओपन पावर पॉइंट डायरेक्टली इफ़ इंस्टॉल फ्रॉम द रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टाल किया हुआ होगा तो आपने कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करना है जिससे क्या पावर पॉइंट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा राइट right आंसर्स क्या है पावर बी एन टी वट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट पावर पॉइंट्स में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करते हैं हम कंट्रोल प्लस एम का वट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द करंट स्लाइड इन पावर प्वाइंट पावर पॉइंट्स में अगर आपने करंट स्लाइड्स को डिलीट करना होगा तो उसके लिए कौन सी की यूज आप करोगे बोथ ए एंड बी पार्ट या तो आपने डिलीट की को प्रेस करना है या बैक स्पेस की को पावर प्वाइंट डैश इज अ पैटर्न आर ब्लू प्रिंट ऑफ अ स्लाइड्स आर ग्रुप ऑफ स्लाइड राइट आंसर क्या होगा टेम्पलेट ए पावर पॉइंट टेम्पलेट इज सेव्ड एज डैश फाइल पावर पॉइंट टेम्पलेट किस फाइल से सेव होता है पी ओ टी एक्स द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट पावर पॉइंट्स के लिए कौन सी की हम यूज करते हैं क्लोज करने के लिए राइट right आंसर्स क्या होगा कंट्रोल प्लस क्यूब जूँ ही आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या पावर पॉइंट ऑफ हो जाएगा वट इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट ऑन द करंटली सिलेक्टेड स्लाइड्स जिस भी स्लाइड पे आप काम कर रहे हो अगर आप उस स्लाइड पे इंसर्ट कुछ टेक्स्ट को करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सा आपने ऑप्शन चुनना है टेक्स्ट बॉक्स अंडर विच मैन्यू द ऑप्शन फॉर ड्रा इंसर्ट टैक्सट बॉक्स पिक्चर्स चार्ट आर एवेलेबल पावर पॉइंट के कौन से मैन्यू के अंडर आपके पास ड्रा इंसर्ट टैक्स बॉक्स पिक्चर्स चार्ट एवेलेबल हैं राइट आंसर क्या है इंसर्ट मेन्यू के अंडर्स ये सारे आते हैं वट इज द की बोर्ड टू स्टार्ट द स्लाइड शो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब भी आप पावर पॉइंट प्रजेंटेशन्स में कोई भी काम कर रहे हो तो जिस भी स्लाइड पे आप काम कर रहे हो अगर आप चाहोगे कि उस स्लाइड से आप क्या कंटिन्यू स्लाइड शो हो तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करोगे एफ फाइव वट इज़ द की बोर्ड टू स्टॉप द अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन्स में अगर आप स्लाइड को रोकना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करोगे आप अपने कीबोर्ड में राइट right आंसर्स क्या है एफ फाइव लाइव प्रजेंटेशंस फीचर्स विच माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स वर्जन्स लाइव प्रजेंटेश फीचर्स कौन से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स वर्जन्स में अवेलेबल हुई थी राइट right आंसर्स क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू थाउजेंड थर्टीन्स के वर्जन में वट इज़ द कीबोर्ड शार्ट कट टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड्स ऑफ अ पावर पॉइंट प्रजेंटेश जिस भी स्लाइड पे आप काम कर रहे हो पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स पे अगर आप वहाँ से चाहोगे कि उस स्लाइड से अपनी स्लाइड्स को कंटिन्यू करा जाए तो उसके लिए आप कौन सी की यूज़ करोगे शिफ्ट प्लस एफ फाइव द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन द डैश मेन्यू स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऑप्शनस कौन से मेन्यू में अवेलेबल है पावर पॉइंट के राइट right आंसर्स क्या है बोथ बी एंड सी पार्ट यानी इंसर्ट और रिकॉर्ड्स के मेन्यू में अवेलेबल है द कीबोर्ड शॉर्ट कट्स फॉर शोइंग्स और हाइडिंग्स द ग्रिड इन अ प्रजेंटेश पावर पॉइंट में आपने कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे आप ग्रिड्स को शो करने के लिए या किसी भी ग्रिड्स को हाइड्स करने के लिए राइट right आंसर्स क्या होगा शिफ्ट प्लस एफ़ नाइन अगर आप फर्स्ट टाइम शिफ्ट प्लस एफ़ नाइन प्रेस करोगे तो उससे क्या आपके पास ग्रिड शो हो जाएंगी और अगर आप उसके साथ में ही उसके बाद फिर प्रेस करोगे शिफ्ट प्लस नाइन तो उससे क्या वो ग्रिड्स हाइड हो जाएंगी वट इज द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ़ अ पेन इन अ पावर पॉइंट स्लाइडस पावर पॉइंट्स प्रजेंटेश में आपने बताया कि पेन का कलर्स डिफॉल्ट कौन सा होता है रेड कलर विच इज़ द शॉर्ट कट की टू स्टार्ट द प्रजेंटे इन प्रजेंटर्स व्यू राइट आंसर क्या है आल्ट प्लस एफ फाइव जो ही आप प्रेस करोगे अपने की बोर्ड में तो जो भी प्रेजेंटर्स व्यूअर्स जो होंगे उनके पास क्या प्रेजेंटेश वहां से स्टार्ट हो जाएगी द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टॉप्स मीडिया प्लेबैक स्टॉप्स मीडिया प्लेबैक्स करने के लिए कौन सी की यूज आप करोगे ऑल्ट प्लस क्यू द की बोर्ड शॉर्टकट टू शो हाइड इंक मार्कअप पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशंस में अगर आप इंक मार्कअप को शो या हाइड करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की यूज आप करोगे कंट्रोल प्लस एम हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ले आउट आर इन द पावर प्वाइंट्स पावर पॉइंट्स में कितनी टाइप्स की ले आउट्स होती हैं फोर टाइप्स की वट इज द डिफॉल्ट पावर प्वाइंट स्टैंडर्ड लेट पावर पॉइंट्स में डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट कौन सा होता है टाइटल स्लाइड विच टूल बार हैज अ स्लाइड डिजाइन ऑप्शंस इन एम एस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स में स्लाइड डिजाइन कौन से टूल बार में ऑप्शन है फॉर्मेटिंग्स टूल बार में विच आफ द फॉलोइंग द एक्शन बटन इन द पावर पॉइंट एक्शंस बटन पावर पॉइंट्स में कहाँ पे होता है राइट right आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द एबो हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल इन पावर पॉइंट्स पावर पॉइंट्स में रोज और कॉलम्स टेबल्स में कितने होते हैं सेवेंटी फाइव रोज होते हैं और सेवेंटी फाइव कॉलम्स होते हैं वट इज द शॉर्टकट की फॉर टॉगली रिबंस टॉगली रिबंस के लिए आपने शॉर्टकट की बतानी है कंट्रोल प्लस एफ वन विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट्स पावर पॉइंट्स का बेसिक एलिमेंट आपने बताने कौन सा है स्लाइड डैश की इज यूज फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट्स कौन सी की हेल्प करती है पावर पॉइंट्स में एफ वन एफ वन से क्या आपके पास हेल्प मेन्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा इन पावर पॉइंट टू थाउजेंड नाइनटीन विच शार्ट इज यूज टू ओपन द प्रिंट प्रिव्यू पावर पॉइंट टू थाउजेंड्स नाइनटीन में कौन सी शॉर्टकट का यूज हम करते हैं प्रिंट प्रिव्यूज के लिए राइट right आंसर क्या होगा कंट्रोल प्लस पी इन एम एस पावर पॉइंट विच शार्ट की इज यूज टू सेव द एग्जिस्टिंग फाइल्स विद अ न्यू नेम अगर आपने पावर पॉइंट में पहले से ही किसी फाइल को सेव किया हुआ होगा और उस फाइल में आप चाहते हो कि वो फाइल एक नए नाम से सेव हो जाए तो उसके लिए आप कौन सी की यूज करोगे F12 Which key की इज with विद कंट्रोल टू क्लोज द कंट्रोल के साथ कौन सी की आप यूज़ करोगे प्रेजेंटेशंस को क्लोज करने के लिए राइट right आंसर क्या है कंट्रोल प्लस क्यू विच की इज यूज टू सेव द प्रेजेंटेश इन एमएस पावर पॉइंट टू थाउजेंड्स नाइनटीन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू नाइनटीन का जो वर्जन है उसमें कौन सी की का यूज आप करोगे किसी भी प्रेजेंटेशंस फाइल को सेव करने के लिए राइट right आंसर्स क्या है कंट्रोल प्लस एस आल्ट प्लस डैश इज यूज्ड टू ओपन द फाइल्स टैब्स मेन्यू इन पावर पॉइंट आल्ट प्लस कौन सी की का यूज हम करते हैं फाइल्स टैब्स मेन्यू को ओपन करने के लिए पावर पॉइंट में राइट right आंसर्स क्या है एफ आल्ट प्लस एफ से क्या फाइल टैब्स मेन्यू ओपन हो जाएगा इन एमएस पावर पॉइंट टू थाउजेंड्स नाइनटीन विश शार्टकट की इज यूज टू रेडू एंड एक्शंस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू थाउजेंड्स नाइनटीन में आप कौन सी शार्ट कट का यूज करते हो रेडू एक्शंस के लिए राइट right आंसर क्या है कंट्रोल प्लस वाई विश शार्ट कट की इज यूज विद कंट्रोल टू क्लोज द प्रजेंटेशंस कंट्रोल प्लस कौनसी की यूज़ आप करते हो किसी भी प्रजेंटेशंस को क्लोज करने के लिए एफ़ फोर डैश शॉर्ट कट की इज़ यूज टू चेक द स्पेलिंग फ्राम द स्लाइड्स किसी भी स्लाइड में अगर आप स्पेलिंग्स चेक करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करोगे आप एफ़ सेवन आल्ट प्लस डैश इज़ यूज टू ओपन द डिज़ाइंस टैब्स मैन्यू इन पावर पॉइंट टू थाउजेंड्स नाइनटीन पावर पॉइंट टू थाउजेंड्स नाइनटीन में आप आल्ट प्लस कौन सी की का यूज आप करते हो डिज़ाइंस टैब्स मैन्यू को ओपन करने के लिए आल्ट प्लस जी इन एम एस पावर पॉइंट विच की इज़ यूज टू अलाइंस सेलेक्टेड टैक्स टू द लेफ्ट अगर आपने पावर पॉइंट्स में किसी भी टैक्सट को सेलेक्ट किया हुआ होगा और उस टेक्स्ट को अगर आप चाहोगे कि लेफ़्ट साइड से करा जाए तो उसके लिए कौन सी की यूज़ आप करोगे कंट्रोल प्लस एल राइट साइड से अगर करना चाहोगे तो कंट्रोल प्लस आर आप प्रेस करोगे उस टाइम इन पावर पॉइंट्स वी शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द प्रिंट प्रंडोज़ कौन सी शॉर्टकट का यूज आप करते हो प्रिंट प्रीव्यूस विंडोज के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में राइट right आंसर्स क्या है कंट्रोल प्लस एफ टू विश शार्ट इज यूज टू शो आर हाइड द रिबंस इन पावर पॉइंट्स कौन सी शॉर्टकट का यूज आप करते हो किसी भी रिबंस को हाइड करने के लिए या शो करने के लिए पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एफ वन कंट्रोल प्लस डैश इज़ यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस menu इन एम एस पावर पॉइंट कंट्रोल प्लस क्या है एफ से हम क्या करते हैं किसी भी मेन्यू को फाइंड्स कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आल्ट प्लस डैश क्या होगा आल्ट प्लस एफ इज़ यूज टू ओपन द insert टैब्स menu इन पावर पॉइंट इंसर्ट मेन्यू टैब्स को अगर आपने ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे आप आल्ट प्लस एफ इन पावर पॉइंट की टू ओपन द हेल्प डायलॉग बॉक्स इज पावर पॉइंट्स में कौन सी की यूज़ आप करोगे हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एफ़ वन

इन पावर पॉइंट विश शार्ट कट की इज़ यूज टू क्रिएट न्यू प्रजेंटेशन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर आप न्यू प्रेजेंटेश क्रिएट करना चाहोगे तो उसके लिए कौन सी शार्टकट का कर यूज़ करोगे आप कंट्रोल प्लस एन इन एम एस पावर पॉइंट टू थाउजेंड नाइनटीन विटकट इज़ यूज टू अंडू एन एक्शंस ंडू एक्शंस के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज आप करोगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू थाउजेंड नाइनटीन में कंट्रोल प्लस जेड कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है अंडू किसी भी सॉफ्टवेयर में और कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है रेडू माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सॉफ्टवेयर में इन एम एस पावर पॉइंट टू थाउजेंड नाइनटीन विच की इज यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू के वर्जन्स में आप कौन सी की का यूज़ करोगे सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए राइट right आंसर्स क्या है आल्ट प्लस एफ टू अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट्स करें थैंक यू